तपस्या किसी ने की क्या? जरा जोर से बोलो। नहीं। तो एक आखिरी बात और बता दो, आपकी शंका दूर हो जाएगी कि आयुष्मान बलवान बुद्धिमान धनवान ज्ञानवान परिवारवान तपस्वीवान और प्रभु के दर्शन करने वाला सौभाग्यशाली नहीं होता। आखिरी बात जोर से बताना, रावण ने भगवान शिव के दर्शन किए कि नहीं किए? जरा जोर से बोलो, किए। रावण ने श्री राम के दर्शन किए कि नहीं किए? रावण ने सीता के दर्शन किए या नहीं किए? बोलो ना। किए। रावण ने हनुमान के दर्शन किए या नहीं किए? बोलो ना। किए। रावण ने माँ भगवती के दर्शन किए या नहीं किए? बोलो ना। किए। और कंस ने कृष्ण के दर्शन किए या नहीं किए? किए। कृष्ण ने राधा के दर्शन किए या नहीं किए? आयु में, शरीर में, बल में, धन में, विद्या में, तपस्या में और ईश्वर के दर्शन करने में रावण के बराबर कोई होगा क्या? बोलो ना। नहीं। यदि आयुष्मान बुद्धिमान धनवान बलवान परिवारवान ज्ञानवान तपस्वीवान और ईश्वर के दर्शन करने वाला सौभाग्यशाली होता तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होना चाहिए? पर आप रावण को सौभाग्यशाली मानते हो क्या? नहीं। अगर रावण को सौभाग्यशाली मानते तो हर साल दशहरे के दिन रावण की पूजा करते, पर यहां तो पूजा की जगह बेचारे को अग्नि के हवाले करते हो। जाति में ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के उच्च कुल में पैदा हुआ, पुलस्त ऋषि के पौत्र महाराज रावण को मंदोदरी जैसी पत्नी मेघनाथ जैसे पुत्र परिवार मिला, अपार धन मिला, यश मिला, बल मिला, इतनी बड़ी तपस्या भोलेनाथ के लिए रावण ने की जहां एक एक सर नहीं दस सर चढ़ा दिए। रावण को शिव के दर्शन हुए, राम के दर्शन हुए, सीता के दर्शन हुए, हनुमान के दर्शन हुए, लेकिन आज के भारत के इतिहास में संतों ने धर्म ग्रंथों ने कभी रावण को सौभाग्यशाली नहीं बताया। अब तो आपको समझ में आ गई होगी, मेरी बात कुछ हजम हो गई होगी। संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, केवल सुंदर शरीर प्राप्त करने वाला, बड़ी से बड़ी उम्र प्राप्त करने वाला, बड़े से बड़ा पद प्राप्त करने वाला, बड़े से बड़ा कुल में पैदा होने वाला, बड़ी से बड़ी विद्या प्राप्त करने वाला, धन प्राप्त करने वाला, यश कीर्ति प्राप्त करने वाला, बड़ी से बड़ी तपस्या करने वाला और प्रभु के दर्शन करने वाला भी सौभाग्यशाली नहीं। मान गए ना? नहीं मानो? अब तो आपको स्वीकार करना होगा, पर इस बात को स्वीकार करने के बाद मन में एक बात जरूर आई होगी, तो महाराज फिर दुनिया में सौभाग्यशाली कौन हो? कितने लोग सुनना चाहते हैं? और यहां बिना सुनने थोड़ी आए हो। मैं आपको प्रतिदिन वही बात सुनाऊंगा जो आपने नहीं सुनी, वही सुनाऊंगा जो सुनना चाहते हो। संतों ने कहा, धर्म ग्रंथों ने कहा, इस संसार का कोई भी स्त्री पुरुष संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के बाद सौभाग्यशाली नहीं होता। सौभाग्यशाली तो केवल वही होता है जिसको जिंदगी में दो चीजें प्राप्त हो गई हो, चाहे वो गरीब हो, बिना पढ़ा लिखा हो,
चाहे छोटे खानदान में पैदा हुआ हो, चाहे तपस्या करी हो या ना करी हो, ईश्वर के दर्शन किए हो या ना किए हो, पर सौभाग्यशाली वही बन सकता है जिसको जिंदगी में दो चीज मिल गई हो। कितनी चीज? और वो दो चीज है, नोट कर लेना कागज पेन लाए हो तो, और धामपुर वाले महाराज की कथा में बिना कागज पेन आना भी नहीं। सब पूरा विश्व जानता है कि धामपुर वाले महाराज की कथा टीवी पर सुनो या सत्संग में पंडाल में कागज और पेन की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि वही चीज सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हो। सुनी सुनाई बात मैं एक भी नहीं सुनाऊंगा, इतना नहीं भजन भी वही सुनाऊंगा जो पहली बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैंने 7 वर्षों तक, आज से 25 वर्ष पहले 7 वर्षों तक हिमालय की तलहटी में अपने जीवन को लगाकर संतों के चरणों में बैठकर विद्वान आचार्यों की सेवा कर ब्राह्मणों के दर्शन करते हुए मैंने माता पिता गुरुदेव की कृपा से शिव महापुराण की रचना को अपने हाथों की कलम से रचना की है। 7 वर्ष में जाकर ये शिव महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज ने जो शिव महापुराण लिखी उसी को माध्यम बनाकर संतों के द्वारा दिए गए प्रसाद को लेकर ब्राह्मण विद्वान आचार्यों का आशीर्वाद लेकर भोलेनाथ की कृपा से यह शिव महापुराण की रचना हुई। बराबर 25 वर्षों से मैं पूरे भारत भी नहीं विदेशों तक में अपनी वाणी के द्वारा इन संतों के ब्राह्मण विद्वानों के दिए प्रसाद का वितरण कर रहा हूं अपनी वाणी के द्वारा। केवल एक ही कामना है कि लोगों को कलयुग में सत्संग सुनने का बहुत कम अवसर मिलता है, बड़ी मुश्किल से समय मिलता है, और उस समय में भी कोई ऐसी चीज हम प्राप्त ना करें तो फिर सत्संग में आना भी हमारा बेकार हो जाता है। केवल दो चीजें जिंदगी में किसी नारी पुरुष को, संत योगी पंडित पुजारी को, जब तक ये दो चीजें प्राप्त नहीं होंगी तब तक वह रावण की तरह संसार की सब कुछ चीजें प्राप्त करने के बाद राम शिव सीता हनुमान के दर्शन करने के बाद, कृष्ण राधा के दर्शन करने के बाद कंस की तरह ये मानव शरीर बेकार रहेगा। वो दो चीजें कौन सी हैं? पहली वस्तु है संतों के दर्शन हो जाए। पहली वस्तु क्या है? आपकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही मुझे? सच बताओ, रावण को कभी जिंदगी में किसी संत के दर्शन हुए क्या? बोलो ना। कंस ने कभी महात्माओं को दर्शन कराया क्या? बोलो ना। पहली वस्तु जिसको संत की दर्शन हो जाए, और दूसरी वस्तु है संत के मुख से व्यास गद्दी से भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल जाए। रावण ने कभी अपनी लंका में किसी संत को बुलाकर सत्संग कराया क्या? सुना कभी रामायण में?
कंस ने कभी मथुरा में किसी संत को बुलाकर सत्संग कराया क्या? है ना, संत के दर्शन हो जाए और संत के मुख से भगवान की कथा रूपी सत्संग में जाने का और प्रेम से सुनने का अवसर मिल जाए, बस वही सौभाग्यशाली होता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर बढ़िया से बढ़िया परिवार, पत्नी पुत्र पिता माता, बड़ी से बड़ी आयु, बड़ी से बड़ी विद्या, बड़े से बड़ा धन यश बल, बड़ी से बड़ी तपस्या और ईश्वर के दर्शन तो पापी से पापी को भी मिल जाता है, लेकिन संतों के दर्शन, सत्संग का श्रवण करना ये केवल सौभाग्यशाली को मिलता है। क्यों? आयु विद्या यश बल कीर्ति धन तपस्या ईश्वर के दर्शन पापी से पापी को इसलिए हो जाते हैं कि ये सब की सब चीजें मनुष्य के किए गए पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिल जाती है। लेकिन संत के दर्शन और भगवान की कथा रूपी सत्संग कर्मों से नहीं मिलती, केवल प्रभु श्री राम की कृपा से मिलती है। सुंदरकांड पढ़ा हो तो उसमें एक चौपाई बोल देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगी। विभीषण ने संत के जैसे ही दर्शन करे, कौन से संत गए थे लंका में ये तो पता है, लगता है तुम भी साथ साथ गए होंगे, गए भी नहीं तो सुंदरकांड में लिखा है, जैसे ही हनुमान संत के दर्शन किए तो विभीषण ने छाती ठोक कर कह दिया कि आज मुझ पर श्री राम की हरिया। अगर आपको सुंदरकांड की ये चौपाई ध्यान ना हो तो मैं बोल देता हूं। विभीषण ने कहा, आबे मोहि भा भरोस हनुमंता, अरे बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। ध्यान देना, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। संतों के दर्शन केवल उसी व्यक्ति को होते हैं जिस पर मेरे भोलेनाथ की कृपा होगी, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये संसार की चीज तो तुम्हें बिना प्रभु की कृपा के मिलेगी, क्योंकि भगवान का नियम है कर्मण्येवाधिष्ठास्ते मा फलेषु कदाचित, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर रे इंसान। भगवान कहते जो आदमी जैसा कर्म करता है उसका फल तो मैं बिना कृपा के दे देता हूं, क्योंकि जैसा किया वैसा मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मेरी कृपा केवल उसी पर होती है जो संतों के दर्शन कर लेता है। दो चीजें केवल मेरी कृपा से मिलती है, बाकी संसार की सारी चीजें कर्म के अनुसार मिल जाता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करत तासु फल चाखा।
कर्मों के अनुसार होने के कारण पापी से पापी व्यक्ति को भी ये मनुष्य शरीर आयु विद्या बल धन तपस्या ईश्वर के दर्शन कर्म के आधार पर भी मिल जाता है। और लेकिन संत के दर्शन और सत्संग केवल उसी को मिलती है, बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती, उन्हें मिलती है जिन पर प्रभु की कृपा होती। तुलसी जी ने भी लिखा, कहो तो बोल दूं, सोते दारा ग्रह लक्ष्मी, सोते दारा ग्रह लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हो पर संत समागम ये शिव कथा तुलसी दुर्लभ हो, तुलसी दुर्लभ तो ये दो चीजें उसी को मिलती है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो। इसलिए जितने भी आप बैठे हैं इस पंडाल में, सच बताना ईमानदारी से पूरी बात समझने के बाद आज आप सौभाग्यशाली बन गए कि नहीं, क्योंकि आपको 9 दिनों तक ये दोनों चीजें बिना पैसा खर्च किए, बिना मेहनत किए, बिना कुछ दिए, आपको प्रतिदिन संत के दर्शन होंगे और प्रभु शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिले। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जितने भी पंडाल में विराजमान हैं, आप सभी के सभी सौभाग्यशाली हो गए हैं। बताओ मेरी बात को सत्य है कि नहीं, बोलो ना। और है, केवल बैठो मत, दोनों हाथों से ताली बजाओ और संसार के लोगों को समझाते हुए इस भजन को गाओ अपने मुख से जो पहली बार सुनने को। वही सौभाग्यशाली है, ध्यान देना, वही सौभाग्यशाली है कौन जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्यशाली है जय हो जिसे अवसर ये मिलता है, जिसे अवसर ये मिलता है, जिसे अवसर ये मिलता है, जिसे अवसर ये मिलता है। जिसे अब सर ये मिलता है, कौन सा अवसर? समागम संत सत्य संग का, समागम संत सत्य संग का, जहां सौभाग्य मिल
मतलब होगा। जरा ताली बजाते हुए भजन के माध्यम से श्रवण कर ले, उसके बाद शिव पुराण की कथा शुरू हो जाए। मुक्ति जन्मों की पापों से संति दरी सन से होती है। मुक्ति जन्मों के पापों से संति दरी सन से होती है। मुक्ति जन्मों के पापों से संति दरी सन से होती है। मुक्ति जन्मों के पापों सदा सत्संग करने से, सदा सत्संग करने से ज्ञान अरु भक्ति मिलती है। ज्ञान और भक्ति मिलती है, ज्ञान और भक्ति मिलती है। प्रेम विश्वास श्रद्धा सन्मार्ग मिलता वही सौभाग्य शाली है जिसे अवसर ये मिलता है। वही सौभाग्य शाली है जिसे अवसर ये मिलता है। तालियां आपके कर्मों के अनुसार आपको बड़े से बड़ा दान करने का अवसर मिल जाएगा। आपके कर्मों के अनुसार जप करने का, तपस्या करने का भी समय मिल जाएगा, भजन करने का समय भी मिल जाएगा। परंतु सत्संग में तो केवल वही जा सकता है, संतों के दर्शन तो केवल वही कर सकता है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा। भगवान शंकर ने स्वयं कहा, पार्वती सारी दुनिया के तीर्थ में जा सकता है, बड़े से बड़ा दान कर सकता है, बड़े से बड़ा पुण्य कर सकता है, बड़े से बड़ा जप कर सकता है, बड़ी से बड़ी तपस्या कर सकता है, पर सत्संग में प्रभु की कृपा के बिना कोई आ नहीं सकता। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। और आ भी जाए तो बैठकर कथा नहीं सुन सकता, या तो मोबाइल की घंटी बज जाए या तुम्हारी बुद्धि की घंटी बज जाएगी। बोले बिना प्रभु के कृपा के जबरदस्ती किसी के बुलाने से, किसी को अपना चेहरा दिखाने से अगर आकर सत्संग में बैठ भी गया तो ना तो सत्संग सुन सकता, ना संत के दर्शन कर सकता। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। पर जो कर कष्ट आव पुनि कोई,
तो आते ही नींद जुड़ाई सोई। जितनी सत्संग में लोगों को आलस्य आता है, नींद आती है, उठ करके जाने का मन करता है, मोबाइल पे बात करने का मन करता, इतना और कहीं नहीं। इसीलिए संतों ने कहा, धर्म ग्रंथों ने कहा, करे स्नान सब तीर्थ दान जप तब भी मिल जाए, करे स्नान सब तीर्थ ज्ञान जप तब भी मिल जाए, करे स्नान सब तीर्थ दान जप तब भी मिल जाए, संत सत्संग का अवसर, संत सत्संग का अवसर बड़ा दुर्लभ है मिल पाए, बड़ा दुर्लभ है मिल पाए, बड़ा दुर्लभ है मिल पाए, प्रभु कृपा से जीवन सुनने से सौभाग्यशाली बनेंगे, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आपके उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद में एक बहुत बड़े प्रसिद्ध 5 सितारा होटल ड्राइव 24 के मालिक साहब शुक्ला जी, उनकी धर्म पत्नी के द्वारा एक बार टीवी में केवल 2 दिन की कथा सुनने से पता नहीं, मैंने आखिरी दिन में टीवी में आपकी थोड़ी देर कथा सुनी और इस होटल के मालिक साहब शुक्ला जी को ने भी थोड़ा देखा, मैंने विनय किया इस धामपुर वाले महाराज को बुलाकर के शिव महापुराण की कथा इस विशाल होटल के प्रांगण को कराकर कर। पता रही थी कि मैंने टेलीफोन नंबर लिया, शुक्ला जी ने हमारे सचिव गौरव वशिष्ठ जी को फोन किया पर समय नहीं मिला, क्योंकि कथा तो 2019 तक की लगातार बुकिंग हो गई थी। तो शुक्ला जी ने तुरंत धामपुर के अपने एक रिश्तेदार को ऐसे ढूंढ लिया
जिस पर महाराज जी का बहुत बड़ा पावर था और उन्हीं की पावर ने आज सभी को पावरफुल बना दिया है। इसलिए ध्यान देना, 9 दिन का समय आपको शुक्ला जी ने दे दिया है निमंत्रण दे करके, एडवर्टाइजिंग कराकर आप सभी को सूचना देकर यहां बुलाने का निमंत्रण दिया, आप सभी आ गए हैं। मगर 9 दिनों तक आप बुलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अब तो खुद दौड़ करके भाग करके बैठकर सुनने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए संत कहते हैं और मैं भी आपको आदेश कर रहा हूं, ये मानव तन का जीवन है रोजिनी यम बनाना तुम, ये मानव तन का जीवन है रोजिनी यम बनाना तुम, ये मानव तन का जीवन है रोजिनी यम बना श्री व्यास को प्रभु से, श्री व्यास को प्रभु से ये साक्ष प्यार मिलता, वही सौभाग्य साली है जिसे अवसर ये मिलता है, वही सौभाग्य साली है जिसे जितने भी पंडाल में विराजमान हैं और प्रतिदिन जो भी इस पंडाल में आकर के शिव महापुराण की कथा का श्रवण करेगा, व्यास गद्दी पर विराजमान व्यास संत का दर्शन करेगा, उसे भारत के सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य 9 दिन में पूरा का पूरा मिलेगा। अगर भारत के सारे तीर्थ करने जाओगे तो 9 दिन में हो जाएंगे क्या? लेकिन मैं तो आपको 9 दिनों में बिना पैसा खर्च किए, बिना रिजर्वेशन कराए, बिना ही सारे भारत के तीर्थों को स्नान करने का पुण्य प्रदान करने आया हूं।
मैं नहीं कह रहा, विश्वास नहीं तो बोल देता हूं श्लोक। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव। जो मनुष्य शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, पढ़े लिखे का हो या बिना पढ़े लिखे का, गरीब का हो या अमीर का, कोई भी प्राणी इस सत्संग में बैठ जाता है और ध्यान पूर्वक अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके चारों ओर से ध्यान हटाकर अपने हृदय में भगवान शिव की झांकी को बसाकर पूरा मन सत्संग में लगाकर ध्यान पूरा कथा में लगाकर जो ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण संत के दर्शन करते हुए करता है तो जीवन में उससे बड़ा ना सौभाग्यशाली होगा और उसे सारे तीर्थ करने का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाए। आइए और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जो शायद आपको पहली बार सुनने को मिलेगी। जीवन में कितनी भी राम कथा का श्रवण कर लेना और कितनी भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लेना, कितने भी प्रवचन भक्ति सत्संग सुन लेना, चाहे कितनी भी आप भजन संध्या सुन लेना, कितनी पूजा पाठ कर लेना, कितने जप तीर्थ कर लेना, कितना भी दान कर लेना, पर जब तक जीवन में एक बार भी शिव पुराण की कथा नहीं सुनोगे तो आपको उस कथा के पुण्य का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त नहीं होगा। विश्वास नहीं तो मैं आपको शिव महापुराण की कथा में जब भी उदाहरण दूंगा, मेरी आदत है मैं राम कथा से दूंगा। क्यों? क्योंकि शिव जी बिना राम जी के अधूरे हैं और राम जी बिना शिव के अधूरे हैं। भगवान श्री राम ने राम कथा में खुद कहा, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजउ जन भोरे, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोहि नहीं पावा। एक नहीं बहुत बार प्रभु श्री राम ने समय समय पे कहा, मैं मुझ राम की कथा की कृपा, मुझ राम की पूजा पाठ जब तप यज्ञ हवन की फल, मेरे कृष्ण रूप के पूजा का फल उसी को प्राप्त होता है जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती है। धन्यवाद। बिना भोलेनाथ की कृपा से राम की कृपा नहीं हो सकती। कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम शिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन, श्रावण के महीने या प्रतिदिन भगवान शिव की हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, महामंत्र का जाप कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, भगवान शिव के तीर्थ कर रहे हैं,
तो हम पर शिव की कृपा होगी तो राम की कृपा हो जाएगी। पर ध्यान देना, एक सूत्र लिखा देता हूं, और यही कारण है पूरे भारतवर्ष में न जाने कितने जीवन बीत गए आपका, जल चढ़ाते चढ़ाते, बेल पत्ते चढ़ाते चढ़ाते, लाल चंदन लगाते लगाते, हरिद्वार से कावड़ लाते लाते, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते जपते सारा जीवन बीत गया है, पर फिर भी हम पर राम की कृपा नहीं। क्यों? लिखा है धर्म ग्रंथों में, जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है फिर उसकी जिंदगी में कोई दुख रहता ही नहीं, कोई चिंता होती नहीं, कोई समस्या जीवन में आती नहीं, कोई संकट जीवन में आता ही नहीं। पर जितने भी आप पंडाल में बैठे हो, क्या आप में से कोई भी माई भाई और आपका साई खड़ा होकर छाती ठोक कर मुझे कह सकता, महाराज इस मुरादाबाद शहर में मैं सबसे बड़ा सुखी इंसान हूं? है कोई? एक भी नहीं मिलेगा। कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, कोई व्यापार से दुखी है, कोई भारत सरकार से दुखी है, कोई किसी के प्यार से दुखी है, कोई किसी की हार से दुखी है, कोई संस्कार से दुखी है, कोई आहार से दुखी है, कोई किसी के उद्धार से दुखी है। नहीं दुखी? कोई दुनिया में ऐसा घर परिवार आपको नहीं मिलेगा जिसकी जिंदगी में कोई न कोई समस्या, चिंता, दुख, संकट ना जीवन में आता। लेकिन जिस पर राम की कृपा हो जाएगी उसे जिंदगी में कभी कोई कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि राम जी सारे कष्टों का निवारण कर देंगे। लेकिन राम की कृपा किस पर होगी? जोर से बताओ। जिस पर शिव की कृपा होगी, और शिव की कृपा उसी पर होगी जिस पर गुरु महाराज की कृपा होगी, अर्थात जो व्यास गद्दी से बैठे संत गुरु रूप में अपनी वाणी से जो शिव पुराण की कथा को ध्यान से एक बार जीवन में सुन लेगा, तो उस पर किसकी कृपा हो जाएगी? जोर से बोलो, राम की कृपा हो जाएगी। शिव पुराण के सुनते ही किसकी कृपा हो जाएगी? और जिस पर राम की कृपा हो जाएगी तो फिर किसकी कृपा हो जाएगी? अरे जा पर कृपा राम की होई तो ता पर कृपा करही सब कोई। राम की कृपा होने के बाद फिर किसी की कृपा की हमें आवश्यकता, क्योंकि राम की कृपा होते ही सारे तीर्थ, सारे संत, सारे ब्राह्मण, समस्त देवता, राक्षस ही नहीं त्रिलोके में सबके सबकी कृपा हो जाती है। जिस पर राम की कृपा हो जाती है, आज तक हम पर राम की कृपा इसलिए नहीं हुई कि हमने सत्संग तो बहुत किए, कथाएं बहुत सुनी, लेकिन आज तक हमें शिव महापुराण की कथा सुनने का जीवन में अवसर नहीं। क्योंकि भारतवर्ष में भी टीवी के माध्यम से भी घर में आप राम कथा और श्रीमद् भागवत महापुराण या भक्ति के प्रवचन या भजन संध्या तो आपको 24 घंटे में खूब मिल जाएगा, लेकिन शिव पुराण की कथा बहुत मुश्किल से सुनने को मिलती है।
यही कारण था मैं भी पहले 25 साल पहले श्री राम कथा की ही करता था, मगर सतगुरु महाराज ने, मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा, व्यास राम कथा भागवत तो सब कर लेंगे पर तुझे शिव पुराण की कथा करके संसार के लोगों को कष्टों से, दुखों से, समस्याओं से, चिंता से मिटाकर जीवन को सुख में, आनंद में, कल्याण में, शक्ति में बनाकर मानव जीवन का कल्याण करना है। और उन्हीं के उपदेश के अनुसार ही मैंने 7 वर्षों तक ब्राह्मणों के आशीर्वाद, विद्वान के चरणों में बैठकर, संतों के चरणों में बैठकर इस कथा के प्रसाद को अपने हृदय में धारण किया और उन्हीं के आदेश से अपने वाणी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी समय मिलता है उन सभी को मैं अपनी वाणी के द्वारा शिव पुराण की कथा का प्रसाद वितरण करता हूं। अगर विश्वास नहीं हो तो एक राम कथा का उदाहरण बताकर मैं आगे चलूं। अगर तुमने कभी राम कथा सुनी हो तो याद करना, राम कथा में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता। पहले वक्ता है भगवान शिव, और शिव जी किसको कथा सुनाते, राम कथा जरा बोलो, पार्वती। लिखा है चौपाई बोल देता हूं, राम कथा को भगवान शिव ने पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पे मात भवानी, जान प्रियाति आदर कीना, वाम भाग हर आसन दीना, बैठी शिव समीप हर साई, तो पूरब जन्म कथा चित आई। एक दिन शिव जी कैलाश पर्वत पर अकेले बैठे थे ध्यान करके, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती जी अपने पतिदेव के पास में पहुंच गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। शिव जी ने तो सोचा शायद ये सब्जी के लिए कह रही कि सब्जी लाना है, कहां बैठे थे, और पत्नी क्या कहेगी, वहां जाना, वो काम करना, ये करना, मेरे लिए वो लाना, बच्चों के लिए वो आना, मेहमान वो आ रहे हैं, ये करना। लेकिन पार्वती संसार के काम के लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए गई। हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं एक चीज कहना चाहती हूं, आपसे आज एक चीज लेना चाहती हूं। बोले क्या? शब्दों में देखना, तुलसी जी ने चौपाई में दिया है। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु मोय चरण निज दासी, तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना, कह रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु मुझे राम कथा सुनाइए। पहले वक्ता श्रोता शिव और पार्वती, दूसरे काक बुसंड जी और गरुड़ जी। शिव जी ने पार्वती को कथा कैलाश पर्वत पर सुनाई और काक बुसंड ने गरुड़ जी को कहां सुनाई नहीं मालूम, अरे नीलग्रीव पर्वत पर। काक बुसंड जी ने गरुड़ जी को नीलग्रीव पर्वत पर कथा सुनाई और तीसरा याज्ञवल्क मुनि ने भरद्वाज मुनि को आपके इलाहाबाद की त्रिवेणी के घाट पर, भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क मुनि ने राम कथा सुनाई है ना। और चौथा, 3 तो मैंने बता दिए, चौथा तुलसीदास जी ने
राम कथा सुनाई पर किसी और को नहीं, अपने मन को ही कथा सुनाई। इन चार वक्ता श्रोता राम कथा के हैं, इनमें से जो तीसरे वक्ता श्रोता है उसके उदाहरण में प्रमाण मिलता है कि बिना शिव पुराण की कथा सुने राम कथा का फल प्राप्त नहीं होता। विश्वास नहीं तो मैं रामायण के रामचरितमानस के आधार पर मैं भरद्वाज और याज्ञवल्क के प्रसंग को दे थोड़ी देर के लिए आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि लाख करो तुम पूजा, लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, सब लग शिव कथा सुनी नहीं तो आधा फल बेकार। जरा इस प्रसंग को एक मिनट के लिए ध्यान लगा के सुन ले, आपको विश्वास होगा कि बिन शिव पुराण के राम कथा भागवत भक्ति सत्संग कैसे अधूरी है। लेकिन इसको सुनाने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं, नाराज नहीं होना, मैं पूरे 9 दिन तक सुनाऊंगा भी सुनूंगा भी, क्योंकि कहीं सुनई अनुमोदन कर ही ते को पद इव भव निधि तरहि। केवल का सुनाने वाला सुनाता जाए और किसी की सुने नहीं तो अच्छा लगता है क्या? तुम्हारे घर में कोई मेहमान आवे वो अपनी तो खूब सुना रहा है मगर तुम्हारी ना सुने, आप पसंद करोगे क्या? बोलो ना। अरे डरते क्यों हो, बोला कर, पर सिर हिलाकर नहीं। मैं सिर हिलाकर हाथ हिलाकर इसलिए नहीं पूछता कि तुम ही बताओ, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आवे, दरवाजा खटखटावे, रिंग बजावे, घंटी बजी, दरवाजा खोला, मेहमान जी ने कहा नमस्कार, आपने मुंह से नहीं बोला, वो पूछने लगा भाई साहब कहां है, बोले नहीं, सिर हिला रहे, और सब ठीक है। अब वो मेहमान तो पूछ रहा है लेकिन मुंह से ना बोलकर केवल सिर और हाथ से इशारे हो रहे हैं, तो सच बताओ शुक्ला जी वो मेहमान क्या समझेगा? दो ही आदमी नहीं बोलते, या तो जिसके मुख में जबान ना हो, गूंगा हो, और गूंगा तो नहीं है, खूब अच्छी आवाज है लेकिन बार बार कहने पर पूछने पर भी ना बोले तो समझ लेना कि वो नाराज है। जब देखना सास बहू का झगड़ा होता है, क्या होता है? झगड़ा, बोलो ना, झगड़ा। और झगड़ा ही नहीं, झगड़े में भी रगड़ा होता है, और रगड़ा भी जब तगड़ा हो जाए तब बहू कहेगी माताजी प्रणाम, यूं करेगी, बोलेगी नहीं। नाराज व्यक्ति बोलने पर भी नहीं बोलता तो भाई गूंगे तो तुम हो नहीं, मेरे से भी ज्यादा बड़ी आवाज है तुम्हारी, पर बार बार मेरे कहने पर भी जवाब नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब आप मुझसे नाराज हैं। नाराज तो नहीं ना? अब की बार सही बोला, अब की बार सिर नहीं लाया, बस यही चाहता हूं 9 दिन में, क्योंकि धामपुर वाले महाराज जब पूछते हैं और तुम्हारी आवाज सुनाई देती है, तुम तो समझते हो कि महाराज जी ने अपनी वाणी के द्वारा हमारे जीवन को धन्य कर दिया, मगर मैं समझता हूं कि जब आपकी वाणी मुझे सुनाई देती है तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। इसलिए मैं शिव पुराण की कथा कोई धन कमाने के लिए नहीं करता, मैं शिव महापुराण की कथा केवल अपने गुरु के आदेश से धन कमाने के लिए नहीं, मैं आप जैसे श्रोताओं के जीवन को धन्य करने के लिए आया। आइए बिना शिव पुराण के सारी कथा अधूरी कैसे, रामचरितमानस में
तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। एक बार कुंभ का मेला भरा, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न बढ़ाए, जागवलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, कर पूजा मुनि सुयस बखानी, अति पुनीत बोले मृदुवानी। इलाहाबाद त्रिवेणी में संगम में हर माघ के महीने में जब मकर संक्रांति में सूर्य प्रवेश करते हैं तो पूरा एक महीने का इलाहाबाद कुंभ भरता है हर साल, पूरा एक महीने। इसी माघ के मकर के सूर्य में एक बार जब त्रिवेणी पे कुंभ भरा, बहुत संत आए, उन्हीं संतों में याज्ञवल्क मुनि भी पधारे और स्नान करने के बाद याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे। कौन से आश्रम पे पहुंच गए? क्योंकि भरद्वाज जी कहां रहते हैं? भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तीन ही राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ने याज्ञवल्क मुनि के चरण धोए, आसन पर बिठाया, एक सुंदर व्यास गद्दी लगाई, सुंदर एक नीचे बैठने को संतों को कहा, सुंदर आसन बिछाए, सत्संग का उस समय का पंडाल जैसा तैयार हो गया। व्यास गद्दी पर याज्ञवल्क मुनि बैठे, याद रखना शिवपुराण की कथा को शुरू करने से पहले सब बातें समझा देता हूं ताकि आपके जीवन में कथा का पूर्ण आनंद प्राप्त हो सके। याज्ञवल्क मुनि महाराज की पूजा करने के बाद व्यास गद्दी पर हाथ जोड़ के भरद्वाज मुनि ने कहा, हे महाराज, मेरे मन में एक संशय है। एक हे मुनिराज नाथ, एक संशय बड़ मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे, कहत मोई लागत अति लाजा, पर जो न कहूं प्रभु ओरी अकाजा। याज्ञवल्क मुनि से भरद्वाज ने कहा, महाराज मेरे मन में एक शंका है। बोले क्या शंका है? बोले कहता हूं तो मुझे शर्म आती है, पर आज इस मौके पर अपने संशय को आपसे नहीं मिटाया तो मेरा जीवन बड़ा संकट में हो जाएगा। क्या संशय है? बोले राम कवन प्रभु पूछहु तो ही। हे महाराज, लोग राम की चर्चा करते हैं पर मेरे मन में शंका है कि राम कौन से हैं। बोले क्या शंका है राम के? कौन से क्या मतलब? तो भरद्वाज ने अपनी बात शंका कह दी। बोले एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहूं अपारा, और रोष भयउ तब रावण मारा। एक तो राम वो है जो अयोध्या में अवतार लिए जन्म लिया और लड़ाई करके रावण को मारा, संतों का उद्धार किया, और एक राम के बारे में और सुना है, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। एक वो राम है जिसके नाम को भगवान शंकर पार्वती के साथ रोज जाप करके ध्यान करते हैं। मंगल भवन ए मंगल हारी, उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी, सोई प्रभु राम की अपर को। ये दोनों राम एक हैं कि अलग अलग हैं? जिसने रावण को मारा, दशरथ के अवतार लिया, वो राम है कि जो शिवजी जिसका ध्यान करके जाप करते वो ध्यान है। सोई प्रभु राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। क्या पूछा था? अर्थात आप
आप इस व्यास गद्दी पर बैठकर मुझे राम कथा सुनाइए। याज्ञवल्क मुनि से कौन सी कथा सुनने के लिए कहा था? राम। लेकिन घर आ जाकर अगर तुम्हारे पास तुलसी जी की रामायण हो तो आप वहां जाकर के प्रेम श्रद्धा के साथ मेरी इस बात को बाल कांड में ढूंढ लेना। तुलसी जी ने कहा कि गद्दी बनी राम कथा की, याज्ञवल्क को प्रार्थना की गई राम कथा के लिए, लेकिन याज्ञवल्क मुनि जी ने कथा कहां से शुरू करी पढ़ लेना जाके। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, मुनि पूजे अखिलेश्वर जान। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, तहां रहे कछु दिन तहां रहे मुनि नाथा, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यानी कथा का मंडप बना राम कथा का, व्यास गद्दी बनी राम कथा की, संतों के साथ में याज्ञवल्क जी यजमान के रूप में बैठे राम कथा सुनने के लिए, लेकिन याज्ञवल्क जी राम कथा को नहीं सुनाया। पहले कौन सी कथा सुनाई? शिव। क्या बात है, शिव जी का चरित्र शुरू कर दिया कि ऐसे से सती जी गई रास्ते में दंडक वन में, राम को देखा, शिव जी ने तो प्रणाम किया मगर सती ने प्रणाम नहीं किया, सती को संशय हो गया, सीता का रूप बनाकर राम जी की परीक्षा लेने गई, तब सती जी को शिव जी ने त्याग दिया और 87,000 वर्ष के बाद वही सती जी जब शिव जी अखंड समाधि से उठे, राम नाम शिव सुमरण लागे, जाना सती प्रभु जाग गए, गई लेकिन विमान देख करके पूछ बैठी है विमान कैसे, बोले तेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, बिना कहे चली गई, पति का अपमान देखकर योग अग्नि में जल गई। सुनाई कि नहीं करा कर, राम कथा में सुनी तो होगी ना, फिर आगे का चरित्र सुना दिया, बोले वही मरत सती हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेही कारण हिम गिरी ग्रह आई, जनिमी पार्वती तुम पाई। पूरा शिव जी का चरित्र सुन पंडित किस चीज का, कौन सी कथा का था और एडवर्टाइज कौन सी कथा का हुआ था? राम कथा का है ना। संत भी राम कथा सुनने बैठे, व्यास गद्दी पर संत भी बैठे राम कथा सुनने के लिए, यजमान भी मुख्य यजमान के रूप में याज्ञवल्क मुनि महाराज के सामने, भरद्वाज भी राम कथा सुनने बैठे, मगर भरद्वाज जी ने राम कथा नहीं सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? शिव पुराण की। और शिव पुराण की कथा को भी भरद्वाज ने प्रेम पूर्वक सुना, इतना आनंद से शिव पुराण की कथा सुनी, तो याज्ञवल्क मुनि महाराज ने शिव पुराण पूरी करते ही मुख्य यजमान के रूप में याज्ञवल्क मुनि की दशा को जब देखा, पढ़ लेना राम कथा। प्रेम विवश मुख आवन बानी, इतना शिव पुराण में मोहित हो गए कि भरद्वाज के मुख से वाणी नहीं निकली, तब मुनि राज ने सिर पर हाथ रख दिया, बोले भरद्वाज तुझे ही राम कथा का पूरा फल मिलेगा। आहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। और मुनिराज ने साफ कह भी दिया, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, पूजा मरम तुम्हार सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। है मुनिराज जिसका मन शिव पुराण की कथा में एक बार लग जाए, जीवन में एक बार शिव पुराण की कथा को सुन ले,
उसे फिर कोई भी कथा सुन ले तो सारी कथाओं का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे कोई सारे देवता की पूजा तो करे है ना, पर शिव की पूजा ना करे तो बिना शिव के राम जी कभी कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोही नहीं पावा। बात समझ में आ गई, आगे चलूं। इसलिए आप जीवन में, आपको आज ऐसा अवसर आपके नगर में बहुत सुंदर स्थान में आपको शिव पुराण की कथा का आनंद लेने का अवसर आ रहा है, तो आइए आप भी शिव पुराण की कथा सुनने आए हैं और हम भी आपको शिव पुराण की कथा सुनाने आए हैं। और मुख्य यजमान शुक्ला जी और उनकी धर्म पत्नी, उनके पुत्र परिवार ने भी हमको शिव पुराण के लिए बुलाया है, तो आइए आप और हम सब मिलकर शिव पुराण की कथा को प्रारंभ करें।